हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है गेम गुरुजी पर। मेरा नाम है राजवीर राजपुरोहित। तो यार, बस मिलेटर इंडोनेशिया आ गई है फिर से प्ले स्टोर पर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर प्ले स्टोर पर आते ही उसका एक और अपडेट आ गया है। बेसिकली ये अपडेट जो है वर्ज़न 3.2 के लिए ही है। 3.2 का ही ये वर्ज़न है, मतलब एक अपडेट है। और यार, इसमें बग फिक्स किए गए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। तो ये सारी चीज़ें तो पहले से आपके अंदर थी ही, तो डोंट वरी अबाउट इट कि कौन सा न्यू अपडेट आया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ बस सिमुलेटर इंडोनेशिया का वर्ज़न 3.3 के बारे में हम बात करने वाले हैं कि वो अपडेट कब तक आएगा और उसके लिए और कितने दिन वेट करना होगा। और यार, रीज़न बिहाइंड द रिमूवल ऑफ दिस गेम, कि ये गेम रिमूव क्यों हुआ था, उसके बारे में भी सारी जो है बातें हम करने वाले हैं। तो अंत तक ज़रूर बने रहे। और यार, चैनल पर नया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर रोज़ हमारे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो यार, अब हम आ चुके हैं अपने गेम पर। और गेम में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं लग रहा है। पर यार, एक्चुअल में मुझे कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस लग रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ग्राफिक में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, वो आप मुझे बताइए ताकि मुझे पता भी चले। तो यहाँ पर हम इस सिटी से आज जाएंगे। यार, मुझे लगता है ओके, सो आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, पर जब मैंने अभी अपडेट के बाद इसे ओपन किया तो मुझे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट लगा। शायद कोई रीज़न होगा, शायद कुछ बात होगी, पर लगता है यार कि हो सकता है कि कोई जो है ग्राफिक में अपडेट हुआ है। आई डोंट नो अबाउट कम्प्लीटली, पर यार आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं कि क्या लग रहा है। बेसिकली इन्होंने इस अपडेट में बग तो फिक्स किया ही है और ये गेम अब टोटल 210 MB की हो गई है। अगर आप न्यू डाउनलोड करने जाओगे तो ये जो है गेम आपको 210 MB में पड़ेगी। वैसे रुपये नहीं है, 210 MB है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो है ये खेल रहे मोड हिनो ए जे वन। सो बेसिकली यार, अपडेट के बाद गेम स्मूथ मुझे लग रहा है कि है, हो गई ऐसा लग रहा है थोड़े हद तक। और थोड़ा बहुत लैगिंग का भी प्रॉब्लम लग रहा है। स्मूथनेस बता रहा हूँ लेकिन लैगिंग का भी बता रहा हूँ, क्योंकि यार दोनों चीज़ें हो रही है। और अब हम बात करते हैं, थोड़ा आवाज़ कम करते हैं, इसके बाद हम थोड़ी बात करते हैं ताकि आपको सुनाई दे कि हम क्या कह रहे हैं। सो यार, अब बात कर रहे हैं हम अपडेट के बारे में। तो यार, अपडेट जो है जल्दी आने वाला है और उसके लिए आपको वेट करना होगा थोड़े और दिन। जैसे अभी किया उसी तरह आपको जो है वेट करना होगा थोड़े दिन, और उसके बाद आप खेल पाएंगे बस सिमुलेटर इंडोनेशिया का वर्ज़न 3.3। और उसका नहीं आने का रीज़न आई डोंट नो अबाउट इट कम्प्लीटली। तो मैं अभी जो है कंपनी को मेल करके उनको पूछूंगा कि क्या अपडेट कब तक आ सकता है। अगर वो रिप्लाई कर दे तो बहुत बढ़िया है। आप देखते हैं क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम। वैसे यहाँ पर आज मैंने सोचा कि यार आज जो है राइट हैंड पर हम स्टीयरिंग व्हील रखते हैं। ओ हो, बीच में आने की इनकी बहुत परसों से आदत रही है यार। पता है इतने दिनों से मैं जो है लेफ्ट हो गया हैंग हो गया था। सो यार, इतने दिनों से मैं जो है लेफ्ट हैंड में से चला रहा था। और बेसिकली मैं सारी जो गेम्स है स्टीयरिंग वाली, जैसे कि वर्ल्ड बस ड्राइविंग सिमुलेटर और वर्ल्ड ट्रक ड्राइविंग सिमुलेटर, वो सारी मैं ऐसे ही खेलता हूँ। पर यार आज मैंने सोचा कि चलो यार एक बढ़िया सा हो जाए कि हम कंप्लीट रूल फॉलो करेंगे और साथ ही साथ ये स्टीयरिंग अपने जैसा रखेंगे। हमारा राइट हैंड स्टीयरिंग होता है हमेशा, और वेस्टर्न कंट्री में हमेशा वो जो है लेफ्ट हैंडर्स होता है। और ये बेसिकली जो रूट है वो भी राइट हैंडेड वाला है।
और अगर ये लेफ्ट हैंडेड होता तो जहाँ पर सामने से जो आप सामने देख रहे हैं हमारे अपोजिट साइड पर, वहाँ से हमें जाना होता अगर हमारा लेफ्ट हैंडेड जो है स्टेयरिंग व्हील होता। एक्चुअली गाइस मैं बता दूँ कि मुझे बाइक कार स्कूटी तो आता है पर बाइक कार जैसी चीज़ें नहीं आती है। मैं कभी यार खेलता ही उससे मतलब है यार, नहीं आता यार बिल्कुल, क्या बताऊँ यार बचपन से। तो यार अब मैं 20 साल का हूँ लेकिन मुझे ये सब नहीं आता क्योंकि मुझे डर लगता है, पर तो भी मुझे ये जानकारी तो है कि किस रीज़न की वजह से ये लेफ्ट जो है लेफ्ट हैंड हो जाए, किस रीज़न से स्टेयरिंग व्हील राइट हैंड पर होता है, तो ये सारा रीज़न तो पता है। पर यार प्रॉब्लम असली यही है कि चलानी नहीं आती यार। ए भाई यार ड्राइविंग पर सवाल मत करना यार, ड्राइविंग थोड़ी बहुत कच्ची है, अभी नए नए ड्राइविंग स्किल पर आए हुए हैं अभी। और वैसे ये गाड़ी भी बहुत स्लो चल रही है, वैसे हमें 100 के ऊपर की गाड़ी चाहिए हमेशा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी डोंट गेट इट, सो हम इसी से काम करा रहे थे। ये भी बहुत स्पीडी है, देखने जाता हूँ, चलो देखते हैं। एक चीज़ मुझे पता नहीं चल रही क्योंकि यार आफ्टर अपडेट ये इतना लैग हो रहा है ना गंदा सा, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि यार आप लोगों को कोई ग्राफिक्स में चेंजेस लग रहा है। क्योंकि यार ग्राफिक में मुझे तो थोड़ा बहुत लग रहा है कि चेंजेस हो सकता है। ए भाई 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 भाई, तो यहाँ पर रुक क्यों गया? ओके सो यार इस प्रॉब्लम का तो मैं कभी भी सॉल्यूशन नहीं ला पाऊँगा, तभी ला पाऊँगा जब मैं जो है एक नया बढ़िया सा फ़ोन ला सकूँ। और अगर ये आप डोनेट करना चाहते हैं कुछ पैसा वैसा हम जैसे गरीब लोगों को, तो आप डोनेट कर सकते हैं, लिंक दे रखा है यार, ताकि हम नया फोन ला सके। हाँ ए भाई कहाँ चल रहा है भैयू, रॉन्ग साइड पे मत चल, वो बस वाले बहुत गंदा ठोकते हैं। भाई भाई भाई, भाई नहीं, नहीं नहीं, हमें बायजूस की बात नहीं करना है। अब इस सेशन में हम बात करने वाले ओनली बस सिमुलेटर इंडोनेशिया वर्जन 3.3, बस सिमुलेटर आईडी 3.3 के बारे में। वर्जन 3.3 में क्या है वो सब तो आपको पता ही है, और अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए यार, वो वीडियो मैंने उसकी लिंक दे रखी है, तो यार वहाँ चल जाएगा कि वर्जन 3.3 में क्या कुछ है नया। सो यार यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं एक परियों की राजधानी पर, आई डोंट नो। ओके भाई मुझे निकलने दे निकलने दे निकलने दे, नहीं मुझे निकलने तो नहीं देना है इनको। तो यार वर्जन 3.3 में क्या कुछ आने वाला है, और ये सब कुछ है बहुत सही है। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ कि वर्जन 3.3 में ऑफ रोड है यार, बहुत बढ़िया तरीके से है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, वर्ज़न 3.3 का क्या कुछ है और ऑफ रोड के बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गेम को आने दो, उसके बाद हम पूरी तरह से कंप्लीट डिस्कस कर पाएंगे, और उसके बाद हम हर एक सिटी को डिटेल में सब आपको बताऊँगा जो 2 सिटी आने वाली है। नहीं अब ये तो जाने वाला था, और पंगा ये है गाइस कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि कोई अजीब सी चीज़ चला रहा हूँ, क्योंकि यार पहली बार ऐसे मैं चला रहा हूँ, तो प्रॉब्लम है ये।
ये तो पता ही था साला गया। सो यार बस आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे। और यार जल्दी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना न्यू अपडेट के बारे में जानकारी के लिए। और यार जल्दी से जो है आप चैनल के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइज इन्जॉय।